नमस्कार, समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। सिखों के आठवें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण जी के प्रकाश पर्व पर कल रासखंड श्री हरिमंदिर साहिब में की गई आतिशबाजी। आज अमृतसर में कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी ने व्यापार मंडल के व्यापारियों के साथ की मीटिंग। जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहब ने केंद्रीय यतीम खाना में किया पौधारोपण। कामांगाटा मारू जहाज की घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर जलंधर के देशभक्त यादगार हॉल में करवाया गया एक सेमिनार। अब खबरें विस्तार से। सिखों के आठवें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण जी के प्रकाश पर्व पर कल रासखंड श्री हरिमंदिर साहिब में दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने इस पवित्र दिवस पर गुरु घर में नतमस्तक होकर माथा टेका और गुरु घर से आशीर्वाद लेकर खुशियां प्राप्त की। वहीं श्री हरिमंदिर साहिब में दीपमाला भी करवाई गई और शाम के वक्त रहरास पाठ के बाद जहाँ पर आतिशबाजी की गई, इस मौके आए श्रद्धालुओं ने दीपमाला और आतिशबाजी का नजारा देखकर अपने आप को भाग्यशाली समझा। जतेंद्र सिंह सनी जी श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी के प्रकाश पुरब से श्री हरिमंदर साहब दर्शन करने आए थे। दर्शन करके मन निहाल हो गया। संगतान को बेनती है कि आप नशा मुक्त पंजाब बनाइए, अमृत छकी गुरु के सिख बनीए, तो गुरु के पूर्णियां से चलिए। वाहिगुरु जी का दीपमाला अस्तबाई तो क्या ही बात है, वेख के मन गद गद उठता। बलबीर सिंह, मैं कैलीफोर्निया तो मैं बहुत दिनों तो इंतजार कर रहा इतने आने का। तो अठ साल तो मेरी कोशिश है कि मैं गुरु के दर्शन कर। अज का दिहाड़ा मेरे वास्ते बहुत वड्डा, जिस जो मैं उड़ीकों भागा वाले मिलता है किसी पास ही उन्होंने प्रकाश उत्सव तो आतिशबाजी का प्रोग्राम अज मैं पहली बार इतने देखे आके। बहुत सोहना, बहुत है ऑर्गेनाइज सारा काम है इतने का। तो गुरु का लंगर इतने अटूट चलता है 24 घंटे। आज अमृतसर में पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी ने व्यापार मंडल के अलग अलग व्यापार से जुड़े व्यापारियों से मीटिंग की और उनकी मुश्किलें सुनी। इस मीटिंग के दौरान व्यापार मंडल से जुड़े लोगों ने बताया कि अगर सरकार इसी तरह टैक्स लगाती रही तो एक दिन हमारे व्यापार पूरी तरह बंद हो जाएंगे, और अगर सरकार ने टैक्सों का बोझ डालना बंद न किया तो हम आने वाले दिनों में हड़ताल पर बैठेंगे। इस मौके मंत्री अनिल जोशी ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि वह इस मामले को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल के पास लेकर जाएंगे, और अगर सरकार ने इस पर कोई हल न निकाला तो वह अपनी कुर्सी की परवाह किए बिना आपके साथ हड़ताल में साथ देंगे। बहुत लंबे समय तो मैनू अलग अलग इशू से मिलते रहते हैं। मेरी कोशिश होंगी है कि एमिकेबली हल निकले, सरकार दे नाल जिहड़ा भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट नाल गल करके उहदा हल मैं कढ़दा भी रहा, स्टैंड भी लैंदा रहा। पर यह इशू जिहड़ा वा स्टॉक दे उत्ते एडवांस टैक्स, ये बिल्कुल नादरशाही है, ये काला कानून है। मैं डिप्टी सीएम साहब नूं मिल के उस तरह ईटीसी अनुराग वर्मे दे नाल इत्थों तक कि नरोत्तम रत्ती जी जिहड़े लघु उद्योग दे चेयरमैन ने नाल वाइस चेयरमैन बग्गा जी लुधियाने तों टांडा जी होर व्यापारी संगठनां दे आगू मिले सी, उत्थे भी मीटिंग सी। मैं इहदे च इस बारे खास गल हुई सी भी ये बिल्कुल नजायज़ या नादरशाही है। उदों भी ये कंसेंसस तकरीबन बनिया सी भी इहदे ते विचार करके ते इहनूं वापस लिया जाऊगा। उस तों बाद पिछले हफ्ते भी इसे मुद्दे ते व्यापारी मिले से, क्योंकि 30 तरीक जिहड़ी है 30 जुलाई जिहड़ी है वह टैक्स भरन की लास्ट डेट है। ईटीसी अनुराग वर्मे ने पिछले हफ्ते फोन दे उत्ते मैनूं ये गल कही सी कि
यह असी तय कर लिया भी असी 31 जुलाई तक का जोड़ा ये टैक्स है पिछले हिसाब के नाल लवेंगे एडवांस नहीं लवेंगे स्टॉक के उत्ते उस तो अगे व्यापारियों ते तुहाडे नाल बैठ के कोई भी ऐसा फार्मूला लवेंगे जिदे नाल व्यापारी हरास ना हो पर उस तो बाद ये चीज़ लागू नहीं हुई इन्हां दी जिहड़ी आ रिटर्न जिहड़ी आ उह एक्सेप्ट नहीं हो रही इस करके ये अज मेरे को आए आ सारे पंजाब मैं जिथे जिथे भी गया अलग अलग तरन तारण गुरदासपुर अलग अलग बटाला जां लुधियाणे दे चंडीगढ़ आण के मैनू मिले जलंधर दे लोग भी मिले उन्हां सारिआं ने कहा भी ये बिल्कुल नजायज़ धक्का भी जिहड़ी चीज़ स्टॉक साडे को पिआ जिहड़ी चीज़ विकी नहीं हले उहदे ते टैक्स कादा चीज़ विकदी आ बिल कट्टिया जाता वा उहदे ते वैट लगता हालांकि ये चीज़ जो खरीद के लिया उहदे ते वैट जिहड़ी एडिशन होंदी वैल्यू की उहदे उत्ते टैक्स लगना होंदा फिर पर यह है कि जिहड़ा स्टॉक पिया कल नूं नहीं विकदा उहदे बावजूद उहदे उत्ते टैक्स जिहड़ा पहला एडवांस ये तो बनती नहीं गल ये ऑफिसर जो मिसलीड करते हैं ये व्यापारियों को क्योंकि मैं समझदा जो मैं क्योंकि फील्ड च रहिंदे आ लोकां च रहिंदे आ ग्राउंड ते विचरदे आ व्यापारी हैं इस चीज़ का पता वा भी व्यापार तो पहले समय के जो स्लंप आ हर कि बावजूद टारगेट पूरा करने वास्ते नवे तो नव रोज़ अमेंडमेंट ये जिनी हरासमेंट अमेंडमेंटा की डेली कोई नवी अमेंडमेंट जी एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट के आ रही है ये किसी भी स्टेट के इस तरह का वातावरण नहीं गया व्यापारी दुखी है। सोमवार शामा तक ये ऐलान नहीं हों ज स्टॉक के उत्ते एडवांस टैक्स जिहड़ा वापस लैण दा ऐलान नहीं हुंदा ते मंगलवार जो भी रूपरेखा तय करनगे सारे पंजाब दे व्यापारी मैं इस एजिटेशन की अगवाई करूँगा मैनू मिनिस्ट्री नाल प्यार नहीं असी लोगों को वोट लेके आए असी जवाब दे हैं। अरविंदर सिंह मोनू नामक एक व्यक्ति का जद्दी मकान जलंधर के गोपाल नगर में स्थित था और वहां पर पिछले 3 महीनों से मरम्मत का काम चल रहा था। घर का पीछे का पोर्शन तो बन चुका था और आगे का काम चल रहा था। कल शाम जब वह वहां पहुंचा तो अचानक इमारत का लेंटर उसके ऊपर आ गिरा, जिसके बाद जब वहां खड़े लोगों ने उसको मलबे से निकाला तो तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मौके पर जिला पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये मामला हैगा गोपाल नगर पैंदा हलवाई वाली गली पैंदी है। एक पुराने मकान की रिपेयर चल रही थी, रिपेयर होने करके जो अंदर चल रही पेंडिंग पुरानी थी, मालिक आप खड़ा जी जो दीवार उत्ते डिग पई उसकी जी है मौत हो गई है और असं मौके पर पहुँच के जी है डेड बॉडी कढ़ के हॉस्पिटल पहुँचाती है और जो भी बनती कार्रवाई अभी कर देंगे और डेथ हो चुकी। पुरानी बिल्डिंग से पुरानी बिल्डिंग रिपेयर करते पे थी असं यहाँ लिख के कारपोरेशन में भेजन लगे तो बिजली बोर्ड में भेजन लगे हैं कि जी बाकी बिल्डिंग है वो सारी जाल गिराई जाएगी। पुरानी बिल्डिंग आम जी पुरानी बिल्डिंग महल के घर होंगे वो सके वे नवे 50 साल पुरानी कहते बिल्डिंग सी अपने रिपेयर कर रहे थे तो इन्हों को पता नहीं उपरली दीवार आ गए इन्हें गिर गई। जो मालिक सगा मेडिकल का काम करता सी मेडिकल की शॉप सी वही नाम इन्हों का है हरनाम सिंह हरनाम सिंह चाचे मुन्नू थले दबिया आया मैं 5 साल लै के कराया बहुत जोर से असी बथेरा जोर लाया मलवा मुलवा परे करने की कोशिश की पर नहीं मलवा जा रहा सी साढ़े को नहीं आ रही इको ही बस मामले बारे अजे पता नहीं है अजे बिल्डिंग बन रही थी 2-3 महीने अजे अचानक लेंटर टिक पे उस करके एक डेथ हो गई कल अमृतसर में सीवर की सफाई करते हुए एक मजदूर की मौत होने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक करमपुरा निवासी शिंदर सिंह पिछले 10 सालों से लोगों के कहने पर सीवर की सफाई का काम करते हुए अपने परिवार का पेट पाल रहा था। किसी के कहने पर जब वह बुधवार को रतन सिंह चौक के समीप सीवर की सफाई कर रहा था तो इसी दौरान सीवर में दम घुटने से उसकी मौत हो गई और शिंदर के घर में मातम पसर गया। हैरानी की बात यह है कि मजदूर द्वारा सीवर की
सफाई से निगम अनजान है। से चलाए जा रहे केंद्रीय यतीम खाना में आज श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने पौधारोपण किया और समुचे पंजाब वासियों को प्रदूषण मुक्त पंजाब बनाने के लिए पौधे लगाने का संदेश दिया। इस मौके जब उनसे हरियाणा सरकार की ओर से 41 सदस्यीय एडहॉक कमेटी बनाए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस मुद्दे पर कोई भी जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। ये जड़ा उपराला किया गया बिरछ लाने का बहुत ही शलाघायोग और बहुत ही उद्यमी उपराला है, जिन्हां वालों ये चौथा हरियावल दस्ता जड़ा आरंभ है जो 33 लाख बूटे पहलों ला चुके हैं और जिन्हां दे वालों समुचे पंजाब दे विच सुंदरता हरियावलता लियाउण वास्ते एक सुपना है। मेरी अरदास है कि सतगुरु उन्हां दे सुपने नूं साकार करे और असीं सारे जितने भी देश वासी हाँ पंजाब वासी हाँ उन्हां बूटियां दी संभाल करिए। महापुरशां दे वल्लों बूटे लगाए जा रहे ने, उन्हां बूटियां दी संभाल करनी साडा फर्ज है। जिथे जिथे भी बूटे लगे ने, जिस अदारे विच लगे ने, जिस दे खेत दे बन्ने लगे ने, वो अपनी एक जिम्मेवारी समझ के उन्हां बूटियां दी पालना पोषणा करन तां कि बूटे वड्डे हो के साडे देश दी जिहड़ी सुंदरता नूं कायम करन और देश दे बहुत सारे ऐसे जिहड़े जिस तरह बरसात आदि है इहदे वास्ते सानूं इह बहुत सहायक हुंदे ने। इस करके अज लोड है रुख ते कुख दोनों नूं संभालण दी, इस गल ते बहुत बहुत वधाई देंदा हां। देखो मैनू इस चीज की जानकारी नहीं कि लीगल स्टेटस की है, जो फिर मैं बारे कमेंट नहीं कर सकती। भारत को अंग्रेजी साम्राज्य से आज़ाद करवाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं जो कि भारत के इतिहास में दर्ज हैं। इस दौरान ऐसी ही घटनाएं हुई हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। ऐसी एक घटना है कामागाटा मारू जहाज की। इस घटना को आज 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर जलंधर के देशभक्त यादगार हॉल में एक सेमिनार का आयोजन करवाया गया। इसमें मालविंदर सिंह बरेंच का लिखा गया पर्चा भी पढ़ा गया। कामागाटो महारू जहाज की जानकारी देते हुए गुरमीत सिंह ने बताया कि भारतीय इतिहास में जिस स्वतंत्रता आंदोलन की बहुत बड़ी घटना है, जिसे प्रेरित होकर अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानियाँ दी, इसी को याद रखने के लिए ये सेमिनार करवाया गया। भगत सिंह नो हाई कोर्ट दे जज ने सुचिए रेवोल्यूशन लिखा है, एवें ना कह दियो कि अंग्रेजमेंट ना वो वड्डी। हां जी दसो अज जिहड़ी स्थापना मैं जारी कर। देखो कामागाटा मारू साका हिंदुस्तान के आजादी इतिहास में बहुत वड्डी एक अहम घटना हैगी है, जिहड़ी गदर पार्टी जिन्हें हिंदुस्तान आजाद कराने लिए सब तो पहला हमला मारिया और अनेक कुरबानियां की, लामसाल कुरबानियां की, जिसके सदका अज असी अंग्रेजी साम्राज्य तो मुक्त हाँ। उहदे विच कामागाटा मारू का अहम योगदान है और सारी आजादी संग्राम में एक वड्डा इनकलाबी मोड़ दिता सी इस घटना ने। अज इतिहासक दिन जिथे असी अज कामागाटा मारू कांड का 100 साल हो गया 1914 तो लैके 1914 तक उसकी शताब्दी मना रहे हैं, उस इतिहास में अज की नौजवान पीढ़ी में दस रहे हैं। उत्थे अज जिहड़ा यह सैमीनार किया जा रहा देशभर यादगार हाल के 23 जुलाई 1914 को यह जहाज कनेडा की धरती वैनकूवर तो हिंदुस्तान वालों वापस मोड़िया से अज वो दिन असी मना रहे हैं और वो जिहड़ा एक हिंदुस्तान की आजादी इतिहास का लहू भिजा पत्रा है। जो ये गदरी उतों मुड़े वापस कनेडा तो बज बज घाट के गोलियां नाल इन्हों का उस वेल अंग्रेज राज ने स्वागत किया और इन्होंने हस के छातियां तान के शहादतां दित्तियां सन। वो जिहड़ी साडी इतिहास का शाना मत्ता वर्का है वो अज की नौजवान पीढ़ी में असं दस रहे हैं। वो बारे प्रोफेसर मनिंदर सिंह वड़ैच एक फुजी इतिहासकार ने उन्हों का परचा है और असी ये देशभर यादगार कमेटी का ये मकसद है कि असी उस अमीर विरासत में अज की पीढ़ी को लैस करिए कि उन्होंने गदरिया का जो सुपना से एक आजाद बराबरी वाला सैकुलर हिंदुस्तान की उसारी हो, एक खुशहाल हिंदुस्तान की उसारी हो, एक ऊंच नीच तो लुट खसुट तो रहित हिंदुस्तान की उसारी हो, जे खुशहाल समाज का सुपने की पूर्ति लई असं वो स्नेह दे रहे हैं, उस संघर्ष को अगे लैके जा रहे हैं।
और इस काम गट्टा मारू जो इतिहासक रोड है वो अज भी जारी है। आज अमृतसर में नगर निगम ड्राइवर यूनियन की ओर से राजकुमार राजू को यूनियन का प्रधान नियुक्त किया गया। इस मौके यूनियन के वर्करों ने बताया कि दविंदर राजा के बाद इस्तीफा देने के बाद ही राजकुमार राजू को यूनियन का प्रधान नियुक्त किया गया और चरण दास को चेयरमैन चुना गया और आशु नाहर को मेन वर्कर के तौर पर चुना गया। इस मौके आशु नाहर ने बताया कि हमें एक ऐसे प्रधान की जरूरत थी जो हमारी मुश्किलों को समझे और हमें लगता है कि राजकुमार राजू एक अच्छे प्रधान साबित होंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज यूनियन जिंदाबाद। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज यूनियन जिंदाबाद। मेरा नाम चरणदास चेयरमैन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ड्राइवर एंड एम्प्लॉईज यूनियन जी। आज असी सर्वसम्मति सारे मुलाजम साथियों ने इनू गठन दिता इनू मानता दी है जिदे कल दविंदर राजा जी ने इस्तीफा देता तो इस्तीफे के बाद सर्वसम्मति ने अभी राजकुमार राजू को प्रधान बनाता। वो असी नहीं थोपिया सारी जो ड्राइवर यूनिटी ने जो उन्होंने राय से उन्होंने मुताबक अभी इनू प्रधान मन लिया अज तो और जो काम है उ ड्राइवर के सही तरीके करा जिथे भी कोई मुश्किल आई रात दिन काम करेंगे। मैं मीडिया वाले का भी धन्यवाद करता और मुलाजिम। मेरा नाम आशु नाहर है मगर कल साढ़े प्रधान दविंदर राजा जी ने इस्तीफा लेके देता सी भी मैं प्रधानगी नहीं करनी। लोगों ने ड्राइवर साढ़े जोड़े मुलाजम ने उन्होंने कहा कि इस्तीफा दो तो राजकुमार दविंदर राजा जी ने इस्तीफा लेके देता कल 23 तरीक 7वां महीना 14 तक तो अज दोबारा प्रधान की चोन करन वेले चंद शरारती पदार्थ जिहड़े हैगे सी उन्होंने हुल्लड़बाजी करके कहा कि नहीं जी इस तरह नहीं उस तरह नहीं होना। इस करके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्करस यूनियन दो फाड़ हो गई है। अज असी नवी यूनियन बनाती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ड्राइवर एंड इंपलाइज यूनियन। इंपलाइज यूनियन के प्रधान बने ने साडे राजकुमार राजू जी चेयरमैन साडे चरणदास चेयरमैन जी ने ते वध उस तो बाद असी चांदी दो चार दिनों के कमेटी गठन करके अपनी 10 मैंबरी कमेटी असी मीडिया के अगे नाल कॉन्फ्रेंस करके वह भी असी रख देंगे अगर तो बन के खलोते हैं। कभी भी किसी मुलाजम के नाल वधीकी होएगी असी वो वधीकी नहीं होन देवे। असी अफसर के नाल भी मिल के अफसर की रहनुमाई हेठ काम करा ताकि साढ़े मुलाजमान इंसाफ मिले। जी सा कल दविंदर राजा जी ने प्रधान ने अपना इस्तीफा दिता लगभग दो बजे का टाइम ही तो साडे मुलाजम साथी ने एक कल ही प्रण किया भी इनू प्रधान चुक लिए राजकुमार राजू ने और फिर अज अं गेट मीटिंग रख के मैनू उन्होंने अपनी यूनियन का बनाया प्रधान और मैं अपने मुलाजमान भी मीडिया में भी धन्यवाद करता हाँ कि जोड़ा मैंने इन्होंने माण बख्शा है और मैं नाल ही अपने अफसर साहबान भी मिलेंगे अज भी जोड़ा काम आप बड़े सही तरीके करवाना है उन्होंने नियमों हेठ ना मी आप सारा उन्होंने रल के करना महाराज अपने अफसर ना कमिश्नर मानयोग साढ़े जी मानयोग साढ़े डॉक्टर साहब चरणजीत चीन में खेले जा रहे 5वें फीफा एशिया कप के मैच के दौरान भारत के 2 सिख खिलाड़ियों को पगड़ी धारण करके ना खेलने की घटना की सारी दुनिया में बसते सिख भाईचारे की ओर से निखेधी की जा रही है। उधर सिखों की सबसे ऊंची संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो सरकार को इस ओर कड़े रुख अपनाने चाहिए। फीबा जो बास्केटबॉल का मैच होए उन्होंने सिख खिडारियों पटका लाने लिए मजबूर किया गया जिहड़ा कि सिखी असूलों अनुसार नहीं सिख रहत मर्यादा सिख कोड ऑफ कंडक्ट अनुसार जिहड़ा कशहरा ते दस्तार है वह सिख की वर्दी का हिस्सा वा। इस करके सिख किसी समय भी अपने जिहड़े केसां नूं आ वह मर्यादा की पालना करता नंगिया नहीं करता। खेड दे विच खिडारी की जिहड़ी आ परफॉर्मेंस वेखी जानी चाहीदी आ ना कि उहदे धर्म नूं उहदे जिहड़ा पिछोकड़ है उहनूं देख के ते उहनां नूं गुलामी का अहसास करवाउणा इह सरासर गलत आ। खेड दे विच जे दो खिडारी सिख खिडारी साडे चुणे जांदे आ तो उन्होंने सिख वर्दी के जी दस्तार की वर्दी आ वो पटका बन के खेड रहे ने तो वो कोई भी खेड के रुकावट नहीं आती उन्होंने खेडन देना चाहिए। इस तरह करने जोड़ा ये धर्मां फिरकेदारी आ ये पैदा होंगी आ ये खेड के किसी तरह भी जायज़ नहीं। असी इसकी सख्त शब्दों के निंदा करते हैं
आस करते हैं कि आने वाले मैचों के आने वाले समय के खिडारियों इस तरह परेशान नहीं किया जाएगा, उन्होंने उन्होंने वर्दी के रह के खेडन का मौका दे के उन्होंने योग्यता का जड़ा वा वो सार्थक सिटे ले जाएंगे। जापान दे विच होए बास्केटबॉल दे मैच दौरान सिख खिडारियों नू उन्हां दी दस्तार पहने होण करके ना खेडन देना बहुत ही दुखदाई निंदनयोग ते अफसोसनाक बात है। दस्तार तो बगैर सिख जिहड़ा है वह अधूरा है। ये जरूर है कि मतलब खेडन समय जिहड़ा सिख है उन्हू एक छोटी दस्तार के तौर पर पटके के रूप से क्योंकि वह नंगे सिर जिहड़ा नहीं खेडन की आग्या वो इस करके अपनी रवायत नू पूरा रखने की खातर वो छोटी दस्तार पहन के खेडते हैं और इस पर पाबंदी लगनी ये होर भी दुखदाई तो मदभागी गल है और इसकी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्लेटफार्म तो मैं सख्त निंदा करता। बास्केटबॉल के मैच हुए है उन्होंने जो खिडारियां दस्तार पहनी से उन्होंने डकया गया खेडन तो और मजबूर किया गया कि दस्तार ला के खेड सकते। ये बहुत ही मंदभागी घटना है। सिख कौम के नाल जो इस तरह का वितकरा होया है बहुत माड़ा है। हर एक सिख के मन में ठेस पहुंची है। अगे तो खिडारियों के नाल इहो जिहा वितकरा नहीं होना चाहिए। ये सिख कौम की निशानी है दस्तार। ये साडे गुरुआं पीरां ने सिख कौम की एक पछाण वक्री की है दस्तार। ये बहुत ही मंदभागी घटना है, अगे तो नहीं वापरनी चाहिए। इस दे नाल कौम छड़ के खिडारियों के बहुत ही गलत भावना पैदा होंदी है। इस नाल खेड दे नाल खिलवाड़ नहीं करना चाहिए है, खिडारियों दे नाल कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए है। दस्तार जो कि सिख कौम का माण है ये बहुत ही मेहनत और बहुत ही लड़ाइया लड़ के जो सिख कौम वालों प्राप्त की गई है तो ये असी सारे इस घटना की बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करते हाँ और आस करते हाँ कि अगे तो अजिही कोई घटना भविख में ना वापरे। शुरू तो ही साडे सिख कौम ने शुरू तो ही घट गिणती दे वितकरे होंदे आ रहे हैं तो यह सरकार को चाहिए कि उन्होंने दो खिडारियों को जो मजबूर किया गया खेडन तो सिख कौम के खिडारी उन्होंने मजबूर किया गया वा उन्हें सरकार को चाहिए भी कदम चुकने। जे सरकार को वध तो वध कदम चुकने चाहिए। इस तरह कोई खिडारी नहीं बढ़ सकता। असीं चाह वॉलीबॉल क्रिकेट के खिडारी है पर इस चांस को डरदे घर बैठे हुए हैं। सरकार ने जो कोई ना कदम चुकया अगे तो सिख कौम कोई भी बात है खेडना बंद कर दूगा। जे कोई ना कदम चुकूगी फिर असीं आप कदम चुकेंगे जी। कहते हैं कि तेज रफ्तारी मौत की तैयारी होती है। ऐसा एक हादसा बटाला के इलाका अलीवाल में हुआ जहां एक तेज रफ्तार 10 ट्रैली ट्रक ने विवाह समागम से मोटरसाइकिल पर अपने गांव परस रहे पति पत्नी को ट्रक के टायर के नीचे देखकर कुचल डाला और पति पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और इस हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उधर पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हस्बैंड वाइफ आ रहे थे बलजीत सिंह ते वाइफ गुरमीत कौर काले नंगल तो अपने फंक्शन तो वापस आ रहे थे पिंड नूं जा रहे थे ते इत्थे अलीवाल टी पॉइंट उत्थे इन्हां दा एक्सीडेंट हो गया ट्रक दे नाल। दोवां दी डैथ हो चुकी है एट द स्पॉट ट्रक थल्ले आउण पर मौके तो फरार हो गया। असी कंडक्टर नूं काबू कर लिया समेत ट्रक। अगली कार्रवाई असी मौके ते कार्रवाई करदे पए हां। ਇਹਦੀ ਕਾਲੇ ਨੰਗਲ ਵਿਆਹ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਵਿਆਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀਵਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਲੀਵਾਲ ਮੋੜ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਚਪੇੜ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਘੜੀਸ ਦੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ आज अमृतसर में थाना मोहकमपुरा के विरोध में जोड़ा फाटक के दशमेश नगर के निवासियों ने जमकर नारेबाजी की। इस मौके मौजूद कामरेड प्रधान दविंदर पट्टी ने बताया कि हमारे इलाके में मुझे किसी ने घरेलू झगड़े में बुलाया था जहां पर मेरा मोबाइल चुरा लिया गया। जब मैंने इसकी रिपोर्ट थाना मोहकमपुरा में लिखवाई पर पुलिस की ओर से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मैंने कई बार थाने के चक्कर लगाए पर पुलिस कई तरह के बहाने बनाने लगी कि थाने में मुलाजमों की कमी है। इस मौके प्रधान कामरेड ने बताया कि अगर पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वह थाने के बाहर भूख हड़ताल पर बैठेंगे और वह इसकी रिपोर्ट कमिश्नर को भी देंगे। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਝੂਠੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਤੀ, ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ 1628 ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ
मेरा एक मोबाइल चोरी होया जिदा नंबर 99146 70072 और दूसरी सिम का नंबर है 97 80 86 75 22। ये 18/7 नूं चोरी होया 19/7 नूं मैं सवेरे दरखास्त दित्ती सी। मैं उस दे बाबत दरखास्त देने दे बाबत कई बारी पुलिस अधिकारी SHO नूं भी मिलिया, पर जदों मैं 2-3 वारी SHO साहब नूं मिलिया तो उन्होंने मैनूं कहा जी साडे कोल पुलिस की कमी है, फोर्स की कमी है, साडे कोल थानेदार है नहीं। दो ही थानेदार है, एक हाई कोर्ट चले गया, एक इत्थे है, वह बड़े काम है जी। सानू 3 दिन तो लगातार मिल रहा, अज भी सवेरे मैं करीब 11 बजे SHO साहब नूं उन्होंने दफ्तर दे विच मिलिया, तो अज भी मैनूं इहो भरोसा दिता जा रहा कि मैं शामी 4 बजे तुहाडे मोबाइल की गल करांगा। इस तरह किन्नी देर चलेगा जे साडे ना ये हाल है तो आम पब्लिक ना की पुलिस रवैया करती होएगी। असीं ये गल की मंग करते हैं कमिश्नर साहब तो कि लापरवाही पुलिस अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, जिन्होंने अजे तक इस दरखास्त उत्ते कोई गौर नहीं किया। साडियां मंगा जे नहीं पूरियां होंदियां तो असीं थाणा मोहम्मदपुरा के अगे धरना लावांगे, जेकर फिर भी मंग नहीं पूरी होंदी तो मैं जिला अमृतसर पुलिस कमिश्नर के अगे दफ्तर के अगे मरण वरत रखांगा। मार एक ना हीरा सिंह हरजिंदर सिंह और वे हीरा था भी 1629 मेरा 1628 है, गली नंबर 14 न्यू दशमेश नगर। ये दरखास्त दी थी अपना रविंदर भट्टी के कामरेड ने मोगम पर रहते उन्होंने दरखास्त दी थी आए थी साढ़े को गलबात। मैं अपने गुआढ़ियों के घर कोई झगड़ा सी तो मैं उसे राजीनामा कराने गया तो मेरी जेब तो जरा मोबाइल उत्थे कहीं मंजी पर डिग पिया तो मैं शक है भी उन्होंने मेरा मोबाइल चुक लिया, क्योंकि उत्थे राजीनामा कराने काफ़ी होर दुनिया भी आई सी, इस करके दरखास्त बारे तस्दीक कर रहे हैं। जे असल बंदे का पता लगेगा कि मोबाइल चुकया तो फिर कार्रवाई नहीं ऐसी कोई गल नहीं। उस को असि विजय कुमार प्रकाश डील कर रहे थे, कल हाई कोर्ट गए किसी मैटर से, वो आ गए ने उन्होंने तस्दीक कर रहे हैं। नहीं सुनवाई तो हो रही है, देखो जिन्ना चर असल मुलजम सामने नहीं आता उन्ना चर चोरी का इल्जाम किसी की जाए किमें लगती, क्योंकि इन्होंने कहने मुताबिक जोड़ा वो मोबाइल उन्होंने घर मंजी तो डिग पे जेब चु निकल के, जबकि इन्होंने देखा नहीं चुप रहे, तस्दीक कर तो बाद ही मुलजम तस्दीक कर तो बाद ही नहीं पा रही है। मोबाइल मिलता तो उस बारे बंदे सानू दसण आ गया, जो मोबाइल मिलता मोबाइल सारे बरामद कर लेने बंदे को जो मिलता। देखो जी असल मामला क्योंकि मामला इन्होंने शकी है, क्योंकि इन्हों पता नहीं मोबाइल सारा कितने डिगया, इन्होंने कहा राजीनामा उ डिगा वा श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राज्य में लोगों से किए गए झूठे वादों के खिलाफ में रोष प्रदर्शन किया गया, जिसमें पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान प्रताप सिंह बाजवा खुद पहुंचे। कांग्रेस की तरफ से यह धरने सभी जिला हेडक्वार्टरों पर लगाए जा रहे हैं। सारे भख के मुद्दे जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर का तुम वेखा जलंधर के विजय सांपला जी जेडे हूँ मैंबर ऑफ पार्लीमेंट इलैक्ट होए ने हुशियारपुर के जलंधर के रहने वाले उन्होंने बिरध माता 85-86 साल की उम्र के घर के बाहर बैठे ने, उतों चोर ने आके कना वालियां क्ड लिया, इस तो व्डे होर अच्छे दिन की की निशानी हो सकती, बिजली के बिल वध गए ने, इंडस्ट्री इतने बंद हो गई है, बंद होने की कतार से है, हर पासों रेलवे के किराए वध गए ने, बसा के किराए वध गए ने, लॉलेसनैस है बिल्कुल, एंड सारे नो जिहड़ा वड्डा मुद्दा वो है ड्रग्स का। गवर्नमेंट जिहड़ी है छोटे छोटे ड्रग पेडलर्स नू ते नशा खाने वाले जिहड़े कैप्सूल ते पुड़ियां खाने वाले उन्होंने अंदर दई जांदी, ते वड्डे समगलर जिहड़े जिस तरह जगदीश सिंह भोले ने ना लिया सी, जिन्हां मिनिस्टरां दा विक्रम सिंह होया उहदे विच सरवन सिंह फलौर होया, होर सारे बहुत सारे बंदे है ने जिहड़ा DGP शशिकांत ने ना ले ने, किसी का प्रोब नहीं, को गवर्नमेंट की सीरीयसनैस कोई नहीं, लोगों की अखा में धूल झोंकन तो अलावा होर कोई काम नहीं। हुण सरदार प्रकाश सिंह बादल जिहड़े ने कहिंदे 27 तरीक नूं मैं मोर्चा लाने लगा, मैं पुछना चाहना बादल साहब नूं
कि बादल साहब आज तो 30 साल पहले 1984 तो पहले तुसी धर्म युद्ध मोर्चा लाया सी जिहदे नाल अज दे दिन भी अजे लक सिद्धा नहीं होया पंजाब आर्थिक तौर उत्ते माली तौर उत्ते ते जिस्मानी तौर उत्ते 35,000 तो वध पंजाबी परिवार जिहड़े ने अपने कीमती जाना गवा बैठे ने। असीं हाथ जोड़ के बेनती करांगे बादल साहब पंजाबियां दे ते विशेष तौर सिखां दे सेंटीमेंट्स ते ना खेलो। 5 साल लोगों ने तुहानू मुख्यमंत्री बना दिता है, 88 साल की तुहाड़ी उम्र हो गई है, परमात्मा मेहर करे तुहानू लंबी आयु ते तंदुरुस्ती बख्शे, कृपा रखो पंजाब पंजाब नू फिर उस झमेले विच ना उलझा दो जिहदे कारण तुहानू एक्सपर्टीज है, जिहदे कारण तुसीं मन्ने जांदे कि लोगों के जज्बात ते खेल ने अपनी जात की खातर। तो जे तुसीं 27 तरीक नू अस्तीफा देना है मेरी बेनती है फिर अपने नौजवान लड़के को डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह को भी दवाओ, सुखबीर सिंह दे साले विक्रम सिंह को भी दवाओ, सुखबीर सिंह दी घरों बीबी हरसिमरत कौर को भी दवाओ, तो अपने जवाई आदेश प्रताप सिंह को भी सारे को अस्तीफा दवाओ। किसी नमाणे मैंबर ऑफ पार्लीमेंट नू मौका दो पंजाब की सेवा कर दा। तुसी जो कुछ कर दिता 2 लख दा करजाई पंजाब नू कर दिता है, इस करजे दे विचों पंजाब जिहड़ा है सालों साल नहीं निकल पाएगा। यही तुहाडा एक योगदान होएगा, यही तुहाडी एक यादगार हमेशा वास्ते पंजाबियों के नाम तों छड के चलना। पहले तो मैं पूछना चाहना कि इन्हां यूनिवर्सिटियां नू मानता कौन दे रहा है, और राहत 12 यूनिवर्सिटी नू मानता किने दिती है? अकाली दल ने। तो जदों कोई यूनिवर्सिटी चलांदा है उहदे विचों तुसीं किस तरह पाबंदी रख सकते हो? कदी मनोरंजन कालिया जी ने यह सोचा कि तुहाडे दुआबे दे हज़ारां बच्चे हर साल इंग्लैंड दे विच, अमेरिका दे विच, आस्ट्रेलिया दे विच, न्यूजीलैंड दे विच, कैनेडा दे विच स्टूडेंट वीजा वास्ते जाते हैं? यही पाबंदी वह देश तुहाडे लोगों ते लाण ते की हाल होएगा जी? तो हमेशा गल करन तो पहले थोड़ा जिहा तत्थां नूं विचार लेना चाहिए, हमेशा जिहड़ा हुंदा पहले अंदर झाती मारनी चाहिए कि जिहड़ी मैं मंग रखण वाला हासो ही नहीं मंग। सारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गया, किसी से कोई पाबंदी नहीं रखी जा सकती, तो किसी फॉरन स्टूडेंट को यह नहीं किया जा सकता, तुसी टैग नहीं कर सकते। कल इंग्लैंड वाले कह देन कि जिन्हें हिंदुस्तान चो बच्चे जाते हैं सारे किसी ना किसी माड़े काम नाल जुड़े ने, ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट एक सीनियर मंत्री वालों या सीनियर MLA वालों आनी एक माड़ी गल है। तो मैं समझना भावुक होकर स्टेटमेंट दे गया, ठीक है जी। मैं जगबीर सिंह बराड़ देहाती प्रधान कांग्रेस आई सब जिन्हें साढ़े वर्कर साहबान आए है उन्होंने धन्यवाद करदा। अज का जोड़ा साडा धरने का मसला सीगा वह यह कि पंजाब जोड़ा है हर दिन पछड़ता जा रहा है। जिस वेले हिंदुस्तान आज़ाद होया सीगा उदों साडा पढ़ाई दे विच तीसरा स्थान सीगा, साथों अगे सिर्फ केरला ते बंगाल अगे सीगे, अज पढ़ाई दे विच साडा स्थान जोड़ा है 19वें नंबर ते चला गया। और बड़ी दुख की गल, बड़ी शर्म की गल है कि नशियां दे विच साडा नंबर जिहड़ा वह 1 नंबर ते चला गया। हिंदुस्तान की सरकार ने 60 करोड़ रुपया अलॉट किया कि पंजाब दे विच बच्चों नू नशा छुड़ाया जाए। मैं पुछदा कि पहला ये नशे की खुल जिहड़ी है ये किने दित्ती सीगी, कि उन्हां लोकां दा कोई अकाउंटेबिलिटी होएगी, उन्हां लोकां नू अंदर किया जाऊगा जिन्हां ने पहला ये नशे का प्रसार किया। हुण नशा छुड़ाउण दे बहाने जिहड़ा हैगा लोकां नू फड़िया जा रहा। हिंदुस्तान सूबा एक ऐसा सूबा है जिथे एक जज की कोर्ट के एक कैदी ने अपनी जेब के समैक कढ के उहदे टेबल ते रखती कि जज साहब आ पुड़ी मैं 1500 रुपए की जेल के लेके आया है, ना इतने जेलों के नशा विकता बाहर नशा विकता है। और पंजाब में पठानकोट अमृतसर राष्ट्रीय मार्ग पर स्कूली बच्चों से भरे ऑटो और बस की टक्कर में 9 बच्चे घायल हो गए। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। ये बस अमृतसर की ओर से तेज रफ्तार से आ रही थी और इस बस ने ऑटो को इतनी जोर से टक्कर मारी कि ऑटो के चिथड़े चिथड़े तक उड़ गए। इन घायल छात्रों को पठानकोट के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। बस ऑटो की टक्कर से बाद में लोगों ने राष्ट्रीय मार्ग पर जाम किया और एक बस को आग लगा दी, जबकि दूसरी प्राइवेट बसों के शीशे तोड़ दिए गए। TCS ने किया कमाल, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी बनी। जी हां, खबर है कि टाटा सुमो की कंपनी TCS पूंजी के लिहाज से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी IT सर्विसेज कंपनी बन गई है। उसने 5 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करके ये शानदार कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। अब वह अमेरिका की IBM के बाद दूसरे नंबर की कंपनी है। अभी उसने आयरलैंड के एक्सचेंजर्स को पीछे छोड़ा है। खबर है कि 10 साल पहले ही TCS ने पूंजी बाजार में कदम रखा था और अब उसका बाजार वैल्यूएशन बढ़कर 5 लाख
3148 करोड़ रुपए हो गया है। पूरे जापान में भयंकर गर्मी के चलते जहां एक हफ्ते में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और हजारों हॉस्पिटल में भर्ती है। राष्ट्रीय मौसम एजेंसी ने बताया कि देश में कई जगह तापमान 35 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। एजेंसी ने आज भी तेज गर्मी पड़ने का पूर्व अनुमान लगाते हुए लोगों को लू से बचने की अपील की है। सलमान खान और बिग बॉस के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल खबर ये है कि बिग बॉस सीजन 8 को सलमान खान ही होस्ट करेंगे। कुछ दिनों पहले सलमान खान ने बिग बॉस सीजन 8 को होस्ट करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि इस सीजन को होस्ट भी सलमान खान ही करेंगे और इस सीजन के लिए उन्हें चैनल से मोटी रकम भी मिल रही है। सूत्रों की माने तो सलमान खान को हर हफ्ते 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सिखों के 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण जी के प्रकाश पर्व पर कल रासचखंड श्री हरिमंदर साहब में की गई आतिशबाजी। आज अमृतसर में कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी ने व्यापार मंडल के व्यापारियों के साथ की मीटिंग। जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहब ने केंद्रीय यतीम खाना में किया पौधारोपण। कामांगाटा मारू जहाज के घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर जलंधर के देशभक्त यादगार हॉल में करवाया गया एक सेमिनार। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ ताज़ातरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।